नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे तीन टिप्स शेयर करने वाला हूं, जिसको अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आपका जो हैबिट बन चुका है लेट नाइट तक जागते रहने का, उससे आप दूर हो जाएंगे और आप एक नई अच्छी हैबिट को डेवलप कर लेंगे जल्दी सोने का और जल्दी उठने का। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप जल्दी सो जाते हैं तो जल्दी आप उठ ही जाएंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। टिप नंबर वन, तो दोस्तों टिप नंबर वन ये है कि जब आप सोने जाएं तो उससे एक घंटे पहले तक अपना फ़ोन को स्विच ऑफ करके या एयरप्लेन मोड करके रख दें। आपको करना है कि आप, फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 बजे सोना चाहते हैं तो आपको करना है कि आप 9 बजे तक जितना हो सके फ़ोन चला लें। उसके बाद आपको फ़ोन को टच भी नहीं करना है, उसके बाद आपको सीधे अगले दिन फ़ोन को टच करना है। इससे होगा क्या, देखिए मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में नींद क्यों नहीं आता है लेट नाइट तक, क्योंकि लोग रात भर जागकर मोबाइल चलाते रहते हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल 8 बजे तक आप फ़ोन चलाते हैं, उसके बाद आप फ़ोन रख देते हैं, उसके बाद आप फ़ोन को टच भी नहीं करते हैं। जब आप फ़ोन चला रहे होते हैं तो होता क्या है, जो आपके स्क्रीन से ब्लू लाइट निकलता है वो आपके माइंड को एक सिग्नल देता है कि अभी दिन है, रात नहीं है, अभी सोने का टाइम नहीं है। तो आप कंटिन्यूसली फ़ोन चलाते रहते हैं, आपको नींद भी नहीं आता है। तो अब आपने क्या किया, आपने फ़ोन चलाया और रख दिया। अब आपने डिसीजन किया कि एक घंटे बाद मैं सोने जा रहा हूँ, तो उस एक घंटे के दौरान आपका माइंड आपको प्रिपेयर करने लगता है नींद के लिए। तो ये था टिप नंबर वन कि आप जब भी सोने जाएं उससे एक घंटे पहले तक अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके या एयरप्लेन मोड करके रख दे कहीं, आपको टच भी नहीं करना है उसके बाद। टिप नंबर टू, जिस रूम में भी आप सो रहे हैं, जहाँ भी आप सो रहे हैं, कोशिश कीजिए उस रूम में, मतलब बहुत ज़्यादा अंधेरा हो, मतलब कम से कम रोशनी उस रूम में जाए। ऐसा इसीलिए क्योंकि आपके दिमाग को एक और सिग्नल चला जाता है। अगर मान लीजिए बहुत रोशनी रहता है आपके रूम में तो आपके दिमाग को लगता है ये अभी दिन ही है, रात नहीं है, तो अभी सोने का टाइम बिल्कुल नहीं है। तो आपको करना क्या है, जिस रूम में भी आप सोने जाए उस रूम में आपको ऑलमोस्ट डार्क करके सोना है, ताकि आपके दिमाग को एक सिग्नल जाए कि अभी रात का टाइम है, अभी सोने का टाइम है, अभी जागते रहने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो ये था टिप नंबर टू, जिसमें आपको जहाँ भी सोना है आप उस रूम में कम्प्लीटली डार्क करके सोए। और टिप नंबर थ्री ये है, ये बहुत अच्छा टिप है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन से आपने डिसीजन ले लिया है कि आज से मैं जल्दी सो जाऊंगा, तो आपको करना क्या है, अगर आप स्टूडेंट है या कुछ भी है, तो आपको उसी दिन से आपको फिजिकल वर्क में आपका इंक्रीज करना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल वर्क करना है, ताकि जब आप रात को सोने जाएं तो आपके बॉडी में मतलब 0% एनर्जी हुआ, आप मतलब काफ़ी ज़्यादा थके हुए हो। तो अगर ऐसा आप करते हैं तो थके हुए मोड में आप चाहेंगे सोना, तो ऑलरेडी आपका दिमाग प्रिपेयर हो चुका सोने के लिए और आपका बॉडी भी प्रिपेयर हो चुका होगा सोने के लिए। तो अगर आप इन तीनों टिप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली आप, जो आपका हैबिट डेवलप हो चुका है लेट नाइट तक जागते रहने का, उससे आप दूर हो जाएंगे और आप एक नई अच्छी हैबिट डेवलप कर लेंगे जल्दी सोने का और साथ साथ जल्दी उठने का भी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए ऐसे ही वीडियोस को पाते रहने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।